अब आपको बताएं कि ईद हो या खुशी का कोई भी दिन, मैलसी की सौगात सोहन हलवा के बगैर अधूरी है। ईद के दूसरे दिन भी सोहन हलवा खरीदने के लिए दुकान पर रश भरने लगा है। मजीद की तफसीलात है बताएंगे सादिक अली जी। सादिक, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, ईद उजहा का बड़ा दिन और बड़ी खुशी, और इस खुशी के मौके पर गोश्त के साथ जो चटपटे खाने तैयार किए जाते हैं वहां पर अगर मीठा ना हो तो वो दोबारा खुशी के दोबारा नहीं हो सकती। मैं इस वक्त ईदगाह रोड पर एक ऐसी मशहूर शॉप, मिठाई की शॉप पे मौजूद हूँ जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद जो है वो मिठाई खरीदने में मसरूफ है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, उनसे बात करते हैं। कोई भी त्यौहार हो, खुशी हो, उसमें मिठाई ना हो वो अधूरी है खुशी। ये कदीमी 70 साल सर्कुलर रोड पर दुकान है अजीज़ुर्रहमान का सोहन हलवा। इनका हलवा, बर्फ़ी और रसगुल्ले और गुलाब जामुन बहुत ज़्यादा मशहूर है। जी बिल्कुल, जिस तरह इन्होंने बताया है कि इन मिठाई का जो हम इंतखाब करते हैं इसकी क्वालिटी और क्वांटिटी पर कोई कम्प्रोमाइज़ नहीं होता, और यही वजह है कि हमारे मुल्क के अलावा गैर ममालिक में भी ये मिठाई अपने दोस्तों और प्यारों में भेजते हैं। जी